तो हे गाइस अगेन वेलकम टू माय न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग। तो यार आज जो जो होगा हम वो सब बताने वाले हैं। तो यार मैं बताता हूँ, नमामि परमेश्वर ओम भक्ति आदि तो यच्छामि देवाय परमात्म ने त्राहिमान करण वल क्या मान क्या मत एक तेल का डिब्बा नहीं आता जो कल मंदिर से आया भक्ति आदि तो यच्छामि। तो गाइस जो मामा लोग हैं वो मामा भी पूजा करने लग गए हैं और अभी वैसे सुबह ही हुई है, मतलब इतनी जल्दी सुबह नहा धो के पूजा करने। वैसे मैं भी चले जाता हूँ सुबह इतने। मिडम पुण्यम यवडे शुभ सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सहमुदते ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम मम जयंती मम बताना। कभी किसी का जनेऊ करा तो कान छेड़ने वाला कोई नहीं मिलता है। तो गाइस ये हैं पिताजी, ये मामा जी और ये विमल भाई, अभी सुबह चाय पी रहे हैं और अभी दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है बमन गांव मुंशियारी के आसपास वाली जगह। तो गाइस जी ऐसी होती है यहाँ खेत। और ये हैं हमारे सर विमल भाई साहब। कैसे हो विमल जी? बस मजे में हैं सर। चलो फिर चलते हैं आगे को। तो यार गाइस आज हम विमल जी के साथ आए थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो फिर अब सीधे चलते हैं वापस ऊपर को। देख लिया कैसा है गांव, अब चलो। तो भाई ये मेरे प्यारे मामा हैं, ये भगवती के पुजारी हैं, भगवती माता के पुजारी हैं। और कभी भी आना हो अगर तो इनसे ही संपर्क कीजिएगा, ऐसा भी करना पड़ता है। गाय जी अपनी ताई जी है और ये तो विमल जानते ही हो, और ये अपने छोटे। तो गाय ये वही अंकल हैं जो कल हमारे साथ आए थे गाड़ी में, और ये पिताजी। तो ये अभी लिफाफे वाला काम कर रहे हैं, जो भी लिखना विखना होता है। तो गाइस जैसे हमारे गांव में भी ढोली होते हैं वैसे ही ये भी यहाँ भी ढोली होते हैं। तो अभी फिलहाल तो ये खाना खा रहे हैं, चलते हैं आगे को अब। तो यार बड़ी ये है पंडित जी और ये है जो लोहर में खाना बनता है, जो रशे लगाते हैं वो वाले अंकल आएंगे तो बहुत मारेंगे। तो गाइस अब हम हैं क्यूटी की मार्केट पे, तो अब हम देखते हैं आगे को, मतलब दुकानें कैसी है और किस टाइप के इधर। तो चलते हैं। तो यार गाइस बड़ी मुश्किलों के बाद बाल सेट करने के बाद मैं आपको जो ये क्यूटी की मार्केट है उसमें लाया हूँ, और हम चलते हैं दिखाने की क्यूटी की मार्केट आगे को। तो थोड़ा हल्के पीछे से क्यूटी की मार्केट स्टार्ट हो जाती है, और जो भाई यहाँ की सीनरी है वो बहुत अच्छी और प्यारी सुंदर है। तो जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ कि सुंदर मार्केट में दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। सकते हैं और दुकानें। तो जैसे हम और आगे कुछ चलते रहते हैं हम और ज़्यादा दुकानें देख सकते हैं। तब ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है इस मार्केट की, और इसके ऊपर को जो मुझे जाना है। आज मैं शादी में आ रखा था तो मैंने सोचा कि आपको ये मार्केट दिखा दी जाए। तो यहाँ के कॉमन विलेजर्स और ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। अरे पता था आगे वाला ये कर रखा है। अरे करो करो यार, पता नहीं ये कर रखा है।
तो यहाँ गैराज भी है। तो लखा भोज ना लगे तो यार, अगर मतलब आए हो और अगर तुमने यहाँ खाना नहीं खाया तो तुमने भाई कुछ नहीं खाया है यार। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वन ऑफ द बेस्ट फूड मिलता है मेरे शहर बिरती से थो, और यहाँ से थोड़ा आगे बिरती फॉल भी है। और ये देखो तो यार बड़ी, आप पीछे देख सकते हो मतलब कि जो ये पीछे पर को ही यहाँ पर को नदी है, और हम अभी आगे को और आगे को चल रहे हैं, और अभी हमें चलना है और आगे को, क्योंकि मार्केट है वो थोड़ी बड़ी है। तो मैं आपको एक बार एक सीनरी दिखा देता हूँ गाइस। ये है यहाँ के पहाड़ हैं, और ये है जो नदी जाके रामगंगा में मिलती है। गाइस हम और आगे को चलते हैं और देख बढ़ते हैं आगे मार्केट को एक्सप्लोर करने। तो यार बड़ी, हम और जब आगे को चलते हैं तो यार दोस्तों, मेरा एक सजेशन ये है, अगर तुम मतलब पीस चाहते हो मतलब थोड़े दिनों के लिए, तो तुम यहाँ आ सकते हो, बहुत शांत जगह है। और ये अमन हेयर सलून, यार ये है न्यू चॉइस अपनी दुकान, और आगे को फिर इसके आगे अब जो भी दुकान है वो सीधे फुली में ही है दुकानें। तो फिर यहाँ से हम देखते हैं जो मैं आपको बता रहा था, सीधे बस थोड़े नीचे, कुछ दूर नहीं है बस, हम जस्ट एक दो घर नीचे और आप रामगंगा में पहुँच जाते हैं। तो हमें तो जाना है बारात में, तो अब हम चलते हैं बारात में। तो गाइस ये इतने मिठाई के डब्बे रेडी कर दिए गए हैं हमारे विमल जी और सौरभ भाई ने। सौरभ मतलब इसको प्यार से हम लोग शेरा भी बुलाते हैं, क्योंकि शेरा इसका गांव है शायद मजाक कर रहे हैं यहाँ। अब चलते हैं हम आगे को।
गाइस आप देख सकते हो यहाँ कितना मतलब अभी आजादी निकले ही कितनी भीड़ लगी। और ये कैमरामैन भाई तो गाइस यार मतलब यहाँ पर को भीड़ तो अब होने लग गई है शुरू। और वहाँ जहाँ दर्जा दे रहे थे और यही वो जो प्यारा सा मंदिर है जब हम आज शुरू में आ रहे थे तो वो वाला। तो अब चलते हैं नीचे को। अभी मतलब जो ये इनका स्नैक्स है वो बनने वाला है भिंडी का तो आते हैं। तो यार बोतल से गजब जुगाड़ लगा रखा है इनने जलेबी बनाने का। और ये ऑल इन वन कल गाड़ी चला रहे थे आज जलेबी बना रहे हैं। यार क्या कहें अब। गाइस आप देख सकते हो मतलब कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर को नॉट गिनने का कार्यक्रम चल रहा है और लिखाई भी हो रही है। गाइज यार मतलब ऐसा था कि अभी मैं आ गया हूँ किचन में चाय बनाने क्योंकि यार ऐसा था और की चाय तो मतलब वो अच्छी नहीं है यार वाली चाय नहीं लगती है अच्छी कुछ लोगों को। तो मैं सोचा कि मैं खुद से अंदर से बना के आता हूँ क्योंकि वहाँ जहाँ पैसे मतलब दहेज लिखा रहे हैं वहाँ पर को पापा और कुछ और लोग बैठे हैं तो बाहर की चाय भी नहीं पीते हैं। तो तब मैं सोचा मैं बनाता हूँ और पिलाता हूँ और देखते हैं कैसा कैसा होता है। सो हे गाइस अब ये यहाँ खाना बन रहा है और जो ये कामदार बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये रात का खाना है। खाने में आज आलू की सब्जी और रोटी और भटूरे बनाए जा रहे हैं। तो अब खाने के बाद मिलते हैं गाइस सीधे मेहंदी के डांस में।